हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग RSNR में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जब हम टैली में परचेज सेल या पेमेंट रिसिप्ट की कोई एंट्री करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आता है एंट्री करने के वक्त, यानी कि बिल वाइज डिटेल्स। तो बिल वाइज डिटेल के इस ऑप्शन को बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रैक्टिकली और प्रोफेशनल तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है, ये आज आपको मैं लाइव प्रैक्टिकल तरीके से बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप टैली के बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप किए बगैर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये आज की वीडियो टैली के फ्रेशर स्टूडेंट और एक अकाउंट्स के फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें। और वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, जब भी हम टैली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेल्स या परचेज की कोई एंट्री करते हैं, हम पार्टी में सिलेक्ट करते हैं, स्टॉक आइटम सिलेक्ट करते हैं, इसके क्वांटिटी और रेट हम सिलेक्ट करके इसका लेजर ट्रेडिंग लेजर सिलेक्ट करके और एंटर एंटर प्रेस करते हैं, तो इस तरीके का ये विंडो हमारे सामने ओपन होती है, इसे हम बोल देते हैं बिल वाइज डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनियों में एक अलग अलग रूल्स होते हैं, भी हम यानी कि उधार जब भी हम देंगे जब उसका पिछला बिल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी कस्टमर को 10 तारीख को 100 रुपये का सामान बेचा, तो उसको नेक्स्ट उधार तभी मिलेगी जब उसका पीछे वाला जो 100 रुपये का बिल था वो अगर क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये फंक्शन बहुत सारी टैली में आ भी जाता है और कई सिस्टम में नहीं भी आता है। तो सबसे पहले हमें ये फंक्शन चालू करने के लिए हमें F11 प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि F11। मैं F11 प्रेस करता हूँ तो हमारे सामने ये आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट यानी कि मेंटेनेंस बिल बाय बिल डिटेल, इस फंक्शन को हमें, अगर आपके टैली में नो है तो आप इसे यस करोगे। अब मेरे पास ऑलरेडी यस है तो मुझे यस करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास नो है तो आप इसे यस करोगे। फॉर नॉन ट्रेडिंग गुड्स आल्सो, अगर ये फंक्शन है इसको हमें नो ही रखना है, क्योंकि हमें केवल ट्रेडिंग पर्पज़ का जो मेंटेनेंस बिल बाय बिल डिटेल है उसे हम यस करेंगे। अगर आपका ये यस है तो ओके है, हम इसको मैं कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करूंगा। और सेकंड ऑप्शन, जब हम किसी कस्टमर का जब हम लेज़र क्रिएट करते हैं तो जब लेज़र क्रिएट करते वक्त भी हमें जो ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल, इस फंक्शन को भी हम यस करेंगे। और इसमें जो ऑप्शन आ रहा है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, इसको हम यहाँ पर कोई भी डेट नहीं देंगे, इसको बिल्कुल खाली रखेंगे। और मैं इसको भी इंटर एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर दूँगा। फ्रेंड, जब इसको एंटर एंटर प्रेस करते हैं हम इसको आगे आएंगे तो ये फंक्शन हमारे सामने आएगा। और सबसे पहले हमारे सामने ये चार ऑप्शन हमको देखने को मिलेंगे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के, यानी कि न्यू रेफरेंस है, ये आपका कोई एडवांस है, या किसी अगेंस्ट के अंदर आप इसको एडजस्टमेंट कर रहे हो, या ऑन काउंट है। तो फ्रेंड्स, हमें अगर कोई बिल टू बिल हिसाब रखना है तो हमें दो ही फंक्शन यूज़ करनी होंगे, न्यू रेफरेंस और एक अगेंस्ट रेफरेंस। न्यू रेफरेंस हम तब यूज़ करेंगे जब हम किसी कस्टमर को सामान या कोई पैसा दे रहे हैं तब, और अगेंस्ट रेफरेंस हम तब यूज़ करेंगे जब उस बिल के अगेंस्ट यानी कि उस इन्वॉइस के अगेंस्ट जो हमारे पास पैसा आ रहा है तब हम अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे। चलो हम इसको प्रैक्टिकली तरीके से करके देखते हैं। अब जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे न्यू रेफरेंस, हमें सेल में न्यू रेफरेंस ही रखना है और इंटरप्रेस करेंगे, तो यहाँ पर ये 001 इसने ऑटोमेटिक उठाया। अब ये 001 ऑटोमेटिक कौन सा उठाया, जो हमने इसका वाउचर में जो नंबर दिया था, ये मेरे जो सेल्स का जो वाउचर नंबर होता है 001, ये इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे न्यू रेफरेंस में उठाया है। अगर आप इसे मैन्युअली रूप से चेंज करना चाहो तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो, आप इसे इनवॉइस 1 भी दे सकते हो। इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन यूज होएगा ड्यू डेट फॉर क्रेडिट डेज, यानी कि ये आपका 1 अप्रैल 2020 का बिल है तो आप इसे कितने दिनों की छूट देना चाहते हो। अब मान लीजिए जैसे आपने 1 अप्रैल 2020 को इसको सामान बेचा 500 रुपये का, और आपने इसको 4 या 5 दिनों की छूट दे दी, भी आपको 5 या 6 दिनों के अंदर अंदर इसका भुगतान करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 5 डेज, तो ये ऑटोमेटिकली 6 अप्रैल दिखा देगा, यानी कि 1 अप्रैल का बिल है और 5 दिनों की हम छूट दे रहे हैं, तो यानी कि इसको 6 अप्रैल या 6 अप्रैल से पहले पहले इसको 500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा मुकेश कुमार को। अगर ये 7 तारीख या 8 तारीख को भुगतान करता है, यानी कि इस 8 तारीख को भुगतान करता है, यानी कि 2 दिन ये लेट हो रहा है, तो इसको 2 दिनों का ब्याज भी लगेगा। अब ये ब्याज की कैलकुलेशन कैसी होगी वो भी हम सीखेंगे, तो मैं इसको एंटर एंटर प्रेस करके इसको सेव करूंगा। तो इसी तरीके से मान लीजिए मैंने इसको एक नेक्स्ट बिल और बेचा है 002 नंबर बिल, और ये मैंने इसको बेच दिया 4 अप्रैल को। एंटर प्रेस करूंगा, मुकेश कुमार को सिलेक्ट करूंगा, और इसको मैंने शुगर सेलेक्ट कर दी 10 केजी, और इसका रेट कर दिया 60 रुपये।
ये मेरी लोकल की सेल है, हम इसमें टैक्स चार्ज करेंगे आउटपुट CGST टैक्स और आउटपुट SGST टैक्स, इंटर प्रेस करेंगे तो इस रेफरेंस हमारे सामने आएगा। अब न्यू रेफरेंस के अंदर ये ऑटोमेटिकली इसने दो नंबर उठा लिया, ये दो नंबर कौन सा आएगा, ये जो हमारा वाउचर नंबर जो दो था ये ऑटोमेटिक ही वहाँ से उठा लेता है। तो आप इसे चाहो तो आप इनवॉइस नंबर दो भी कर सकते हो जैसे मैंने किया है, आप इसे मैनुअल रूप से चेंज भी कर सकते हो। और इसकी ये 4 अप्रैल, अब इसकी यहाँ पे ड्यू डेज हमें मांग रहे हैं। ड्यू डेज हमें किस लिए देना होता है, ब्याज के पर्पज़ से। अगर कोई पार्टी हमें टाइम पे अगर पैसा नहीं दे रही है तो हम उसे इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। मान लीजिए अब इसके मैंने 3 दिनों के इसको उधार दी है तो मैं यहाँ पे 3 डेज करूँगा, तो जैसे ही 3 डेज करूँगा तो यहाँ पे 7 अप्रैल है जो ऑटोमेटिक डेट यहाँ पे टाइप कर देगा, यानी कि 4 तारीख का बिल है और 3 दिनों की छूट है तो 7 अप्रैल तक इसकी पेमेंट आ जानी चाहिए 600 रुपये की। और मैं इसको इंटर प्रेस करते हुए इसको सेव करूँगा। अब इसी तरीके से हम एक एंट्री और कर लेते हैं 3, और वो हमारी तारीख है 6 तारीख, कस्टमर नेम मुकेश कुमार। और इसको भी हम मान लीजिए कस्टमर शुगर हमने इसको सेल कर दी 4 किलो और रेट इसका 74 हमने कर दिया, और एंटर प्रेस करके इसको सेव करेंगे और आउटपुट CGST टैक्स और आउटपुट SGST टैक्स। तो इस तरीके से ये टोटल हमारा बिल बन गया। एंटर प्रेस करेंगे तो न्यू रेफरेंस रहेगा ये सेल की कंडीशन में, और यहाँ पे ये 003 नंबर यानी कि जो हमारा वाउचर नंबर था ये इस वाउचर नंबर को ऑटोमेटिक यहाँ से ये उठा लेता है, लेकिन हम इसको इनवॉइस नंबर 3 करेंगे। और इसकी ड्यू डेट है वो हम रखेंगे 7 डेज, तो यहाँ पे ये 13 तारीख है जो ऑटोमेटिक ही उठा देगा। अगर मैं यहाँ पे 13 अप्रैल 2020 करूँगा तो नीचे 7 डेज दिखा देगा, जैसे आपको मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 13/4/2020 करता हूँ तो यहाँ पे डेज नीचे कर देगा ऑटोमेटिकली। आप डेट डालोगे तो डेज आएंगे, अगर आप डेज कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक उठा देगा। इंटर प्रेस करते मैं इसको सेव करूँगा। अब मान लीजिए हमने मुकेश कुमार को ये 3 इनवॉइस सेल किए हैं, अब मुकेश कुमार की जब हम पेमेंट को रिसिप्ट करेंगे यानी कि मुकेश कुमार हमें पेमेंट दे के जा रहे हैं तो हमारी तरफ से ये रिसिप्ट वाउचर रहेगा। अब मान लीजिए इसने पहला जो पेमेंट हमें दिया है वो 5 अप्रैल को दिया यानी कि 5/4, और हमने इसको रसीद दी है RN001 और क्रेडिट में हम करेंगे मुकेश कुमार को। अब मान लीजिए मुकेश कुमार ने हमें 400 रुपये का भी पेमेंट दे के जा रहा है, अब या जैसे हम 400 रुपये के एंटर करेंगे हमें से ये पूछेगा अगेंस्ट रेफरेंस, यानी कि ये जो 400 रुपये जो भुगतान आपको कर रहे हैं मुकेश कुमार ये कौन से बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपने जो रेफरेंस दिया था। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये 2 इनवॉइस आएंगे, और हमने यहाँ पे 3 इनवॉइस किए थे क्योंकि 3rd इनवॉइस हमारा 6 तारीख का था और हमारे पास जो पेमेंट आ रही है वो 5 तारीख को ही आ रही है, तो इसलिए वो 3rd बिल अभी शो नहीं करेगा, वो 6 तारीख या 6 तारीख के बाद में जब कोई भी पेमेंट इसकी आएगी तब हमें यहाँ पे शो करेगा पेंडिंग बिल में। हमें यहाँ पे शो दिखा रहा है पेंडिंग बिल यानी कि इनवॉइस नंबर 1 जो कि 1 अप्रैल को दिया था 500 रुपये और 2 पैसे का, और इनवॉइस नंबर 2 एक 4 तारीख का बिल था, इसमें 599 रुपये और 98 पैसे का ये बिल था। तो अब हमसे ये चीज़ पूछ रहा है ये जो आपके पास पेमेंट आई है 400 रुपये की आप कौन से बिल के अगेंस्ट इसको जमा करोगे, तो हमें पता है अभी जैसी बात अभी पहली पेमेंट आई है तो पहले बिल के अगेंस्ट में जमा होगी, तो हम इसको इनवॉइस नंबर 1 के अगेंस्ट में एडजस्ट करेंगे और इसको एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव करें। अगर हम ये केस दे के जा रहे हैं तो हम केस करेंगे, अगर हमें चेक दे के जा रहे हैं तो हम कौन से बैंक में चेक लगाए वो बैंक को सिलेक्ट करेंगे, और इसको मैं एंटर करके एक्सेप्ट करूँगा। अब हमें जो सेकंड जो पेमेंट दे के जा रहा है मुकेश कुमार वो 7 तारीख को दे के जा रहा है, और 7 तारीख को हम इसको रसीद संख्या 2 देंगे और क्रेडिट करेंगे मुकेश कुमार को। और मुकेश कुमार मान लीजिए अब मुकेश कुमार ने हमें 700 रुपये का पेमेंट किया है, तो अब अगेंस्ट रेफरेंस हमें दोबारा पूछेगा, तो जैसे हम अगेंस्ट रेफरेंस पे एंटर करेंगे तो जो 3 इनवॉइस थे वो 3 इनवॉइस हमारे सामने आ जाएंगे, यानी कि जो 1st इनवॉइस था उसके अगेंस्ट में हमारे 100 रुपये बकाया पड़े हैं, और जो 2nd इनवॉइस है उसके अगेंस्ट में 599 रुपये और 98 पैसे है, और 3rd इनवॉइस है वो 296 रुपये और 2 पैसे है। तो अब हमें जो ये पेमेंट दे के जा रहा है 700 रुपये, तो पहला जो 100 रुपये है वो एडजस्ट होएगा, उसके बाद फिर हमें से अगेंस्ट रेफरेंस पूछेगा तो उसको हम 2nd इनवॉइस के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे और इंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। और इसी तरीके से इसने हमें 9 तारीख को 3rd टाइम भुगतान किया है, उसको हम रसीद दे रहे हैं 3rd और क्रेडिट करेंगे मुकेश कुमार को। अब मान लीजिए इसने हमें 400 रुपये का भुगतान किया है और हम इसको इंटर प्रेस करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। अब अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे तो हमारे पास जो 2 इनवॉइस थे वो ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, अब पेंडिंग जो बिल था हमारा वो एक ही रह चुका है 3 नंबर इनवॉइस,
और उसकी जो अमाउंट है, जो फाइनल अमाउंट है 296 रुपये और 2 पैसे। अब मान लीजिए उसने पेमेंट हमें दिए 400 रुपये, तो 296 रुपये तो वो हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अब जो डिफरेंस रहेगा, यानी कि 400 रुपये में से 296 रुपये, 2 रुपये 2 पैसे, तो हमारे 3 नंबर बिल के अगेंस्ट में जो बकाया था वो एडजस्ट हो गया। अब जो डिफरेंस है, यानी कि वो उसका पैसा हमारी तरफ से एडवांस आ गया, तो अब इसको वापस यहाँ से न्यू रेफरेंस करेंगे। अब जैसे हम इसको न्यू रेफरेंस करेंगे तो हम यहाँ पर इसको देंगे एडवांस, हम यहाँ पे टाइप कर देंगे एडवांस, इसको एडवांस। अब एडवांस के अगेंस्ट में ये पूछेगा डेट भी, जो उसका पैसा आपके पास जमा रह गया उसको आप कितने दिनों में वापस लौटाओगे। यानी कि अब यहाँ पर लाइबिलिटीज बन गई बालाजी ट्रेडर्स की, जो हमारी कंपनी है बालाजी ट्रेडर्स, अब उसकी तरफ से लाइबिलिटीज बन गई, जो उसका पैसा आप कितने दिनों में उसे रिटर्न करोगे या उसका पैसा वापस करोगे या उसके अगेंस्ट में उसको सामान दोगे। तो हमने इस कंडीशन रख दी, हम इसको 4 दिनों में या तो उसका पैसा वापस करेंगे या इसको 4 दिनों में इसका सामान दे देंगे, यानी कि 103 रुपये और 98 पैसे। और एंटर प्रेस करके इसको मैं सेव करूँगा। अगर इसी तरीके से हमारी ये सेल के अगेंस्ट में हमारी पेमेंट एडजस्ट हो जाती है। अगर अब हमें कोई चीज़ देखना हो भी, किसी भी पार्टी का कोई आउटस्टैंडिंग बकाया है या नहीं, आउटस्टैंडिंग का मतलब किसी कस्टमर को सामान बेचा है भी, उस सामान के अगेंस्ट में जो हमने उसको ड्यू डेट दी थी, यानी कि जो एक फिक्स डेट दी थी भी, उस डेट के अगेंस्ट में उसको पेमेंट करनी है, वो पेमेंट हमारे पास आई है या नहीं आई है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्प्ले पर जाएंगे, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर जाएंगे, और उसके बाद में आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग के अंदर आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हो तब हम रिसीवेबल पे क्लिक करेंगे, अगर वन टाइम देखना चाहें। अगर आपको एक एक लेज़र की अगर आपको आउटस्टैंडिंग देखनी है तो आप इसमें से लेज़र को सिलेक्ट करोगे। अगर मैं पूरी डिटेल देखना चाहूँ, मैं रिसीवेबल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे किसी भी पार्टी का कोई भी बकाया नहीं है। अब मैं आपको एक इंट्री और करते हैं इसकी, सेल वाउचर की मुकेश कुमार को। अब मान लीजिए हमने मुकेश कुमार को 10 तारीख में एक सामान सेल किया है, इनवॉइस नंबर 4, और फेट में हम इसको सेल करेंगे 004 नंबर, और मुकेश कुमार को कोई भी एक हम आइटम ले लेते हैं 10 kg, 571 रुपये इसकी अमाउंट बन चुकी है, और आउटपुट हमारा CGST रहेगा और आउटपुट SGST रहेगा, अगेंस्ट करेंगे। अब इसको हम 2 पैसे राउंड ऑफ भी कर देते हैं, तो ये हमारा 600 रुपये का पूरा इनवॉइस बन गया। अब न्यू रेफरेंस में रहेगा, अब न्यू रेफरेंस में हम नहीं डालेंगे इसको, हम एक बार इसको अगेंस्ट करेंगे उसका जो पैसा बकाया पड़ा था, ये जो हमारा अब 103 रुपये और 98 पैसे उसके क्रेडिट थे, क्योंकि जो थर्ड नंबर इनवॉइस था उसके अगेंस्ट में उसने हमारे को एडवांस पैसा दिया था। तो सबसे पहले तो 103 रुपये उसके वो एडजस्ट हो जाएंगे, 103 रुपये और 98 पैसे, और उसके बाद न्यू रेफरेंस रहेगा। अब न्यू रेफरेंस में हमारे पास इनवॉइस नंबर उसका 4 है, इनवॉइस नंबर 4 करेंगे, और इसकी जो ड्यू डेट है हमने इसको 4 दिनों की और दे दी, यानी कि 14 तारीख तक इसकी पेमेंट आनी चाहिए, जो डिफरेंस रह गया 496 रुपये और 2 पैसे, क्योंकि 103 रुपये एडजस्ट था उसका, उसके अगेंस्ट उसके क्रेडिट हो चुके हैं। और एंटर प्रेस करके इसको मैं सेव करूँगा। अब अगर इसके हम आउटस्टैंडिंग की डेट अगर देखना चाहें तो डिस्प्ले पर जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर जाएंगे, आउटस्टैंडिंग पर जाएंगे, और रिसीवेबल पर। अब रिसीवेबल पर हम किस तारीख तक डेट देख रहे हैं, 10 तारीख तक, ये हमें यहाँ से पता चलेगा, हम 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक की ड्यू है जो वो देख रहे हैं। अगर हम इसकी डेट बढ़ा दें यहाँ से भी 10 तारीख से लेकर हमें 15/6 यानी कि 15 जून तक हम इसकी आउटस्टैंडिंग देखना चाहें तो हमको ये चीज़ सारी डिस्प्ले करेगा, यानी कि ये दिखा रहा है इसके 496 रुपये 2 पैसे ड्यू है, और इसके 14 अप्रैल तक इसकी पेमेंट आ जानी चाहिए, लेकिन अभी तक उसके 62 दिन वो लेट हो चुका है, 62 डेज, यानी कि वो ओवर ड्यू हो चुका है, इसके 60 दिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं आई है। तो इस तरीके से हम टोटल हमारी आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट देख सकते हैं हमारी टैली के अंदर भी, किसी भी कस्टमर का कोई बकाया है तो वो कितने दिन बकाया है उसका चल रहा है, यानी कि हमारे पास जो डेट हम यहाँ पर टाइप करेंगे उसी डेट के अनुसार ये दिखाएगा। अगर हम डेट इसकी करंट डेट अगर हम ये दे दें भी 26 जून अगर देते हैं इसकी, तो यहाँ पे जो 62 डेज जो हमारे सामने आ रहे हैं वो डेज और प्लस हो जाएंगे। मैं यहाँ पे इसकी पीरियड चेंज कर देता हूँ और इसको मैं 26/6 करता हूँ, तो हमारे सामने देखो ये डेज है जो 62 से 73 हो चुके हैं, यानी कि 14 तारीख से लेके अगर हम डेज काउंट करेंगे तो 73 डेज ही रहेंगे ये।
तो फ्रेंड्स ये आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगर किसी कस्टमर का पैसा हमारे पास लेट आता है तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे, यानी कि ब्याज उस पर कैसे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें।